ये हैं हमारे नेम्स ऑफ मंथ्स। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो पर कि सबसे पहला जो मंथ है वो हमारा है JANUARY। इसको जब हम साउंड करेंगे तो हम जनवरी साउंड करेंगे। अभी जब हमने इससे पहले अपनी क्लास ली तो उस पर नेम्स ऑफ वीक भी बच्चे बहुत गलत बोलते हैं, कई बार बच्चे क्या बड़े भी गलत बोलते हैं और बड़ों को देखा देखी बच्चे भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जब बच्चों ने अपने छोटे छोटे वीडियोस हमारे वीडियो को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके भेजे तो वाकई बड़ा खुशी मुझे महसूस हुई। मुझे लगा कि चलो बच्चे कुछ एक्चुअली घर में बैठ करके इस लॉकडाउन में कर रहे हैं, और इसी ने मुझे इनकरेज करा अपनी एक नई क्लास के साथ। और वो नई क्लास हमारी फिर एक कॉमन क्लास है जिसमें हम नेम ऑफ मंथ्स को सही से कैसे साउंड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, उसके बारे में बताने वाले। सो प्लीज़ 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 ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली और घर पर इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले है JANUARY, इट इज़ कॉल्ड जनवरी, एंड एक्चुअली दीज नेम्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल नेम्स ऑफ मंथ्स। जब हम बात करते हैं इन सारे नाम की तो ये नाम इंटरनेशनल मंथ्स होते हैं, इनको इंटरनेशनल मंथ्स बोला जाता है। तो जब हम इंटरनेशनल मंथ्स को साउंड करेंगे तो उनको उसको इंटरनेशनल तरीके से ही साउंड करना, ना कि हम उस इंटरनेशनल नेम को हिंदी में लेकर के और फिर उसको साउंड करते हैं, तो वो कई बार गलत होता है। तो JANUARY इज कॉल्ड जनवरी, इट इज साउंडेड एज जनवरी। तो प्लीज़ आप एक बार फिर से सुनिए, पहला जो नाम है आपका जो साल का है वो है JANUARY, दैट इज जनवरी। सो व्हेन यू साउंड इट यू विल साउंड इट हाउ, जनवरी। उसके बाद दूसरा हमारा जो नेम ऑफ मंथ आता है वो है FEBRUARY। अब जब हम इसको साउंड करेंगे तो इसको साउंड किया जाता है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। फिर से सुनिए, फेब्रुअरी, इट इज़ नॉट फरवरी, इट इज़ फेब्रुअरी। बच्चे फिर से इसको सुने, दिस इज फेब्रुअरी नॉट फरवरी। देखिए हिंदी के नाम को आप हिंदी के सही के तरीके से साउंड करिए, इंग्लिश के नाम को आप इंग्लिश के हिसाब से साउंड करिए। तो जब आप इसको साउंड करें तो साउंड करें फेब्रुअरी। उसके बाद जो तीसरा नाम हमारा आता है दैट इज MARCH, ये साउंड किया जाता है मार्च, MARCH इज साउंडेड एज मार्च, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मार्च। इसके बाद आता है APRIL, अप्रैल। फिर से सुनिए, APRIL, अप्रैल। अब देखिए जब हम ये बोलते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो अप्रैल में आएगा तो वो अप्रैल नहीं हो सकता, दैट इज एन इंटरनेशनल नेम। सो यू हैव टू साउंड इट इंटरनेशनली, एंड इंटरनेशनली इसको जो साउंड किया जाता है वो साउंड किया जाता है अप्रैल। तो अगर आप हिंदी भी बोलते हैं और उसमें कोई एक इंग्लिश का वर्ड आता है तो उसको इंग्लिश में ही आपको साउंड करना, ना कि उसको हिंदी बना करके साउंड करना, जैसा हम लोग अपनी सोसाइटी में बड़ों से भी सुनते चले आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो फिर से सुने, अगर आपको MARCH मार्च बोलना है तो मार्च बोलेंगे, APRIL अप्रैल ही बोलेंगे, उसको अप्रैल नहीं बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज MAY, मे, इट इज साउंडेड एज MAY, मे। मे के बाद जो अगला हमारा नेम ऑफ मंथ है वो है JUNE, इज कॉल्ड जून, JUNE इज कॉल्ड जून, जून, जून। इसके बाद आता है JULY, जुलाई, JULY, जुलाई। उसके बाद आता है AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त। मैं बार बार एक मंथ को जो तीन बार चार बार साउंड कर रहा हूँ उसकी वजह ये कि बच्चा ध्यान से सुन करके उसको घर में खूब बैठ करके प्रैक्टिस करे। एंड ये सिर्फ हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट टू इवन आई वुड से नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एज वेल। इसके बाद आता है SEPTEMBER, इज साउंडेड एज सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, SEPTEMBER इज साउंडेड एज सेप्टेम्बर। उसके बाद आता है OCTOBER, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। एंड उसके बाद आता है
November, 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 and the last but not the least is December, December. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you very much. I hope that you will like this video. And while liking this video, you have to subscribe this video as well. Thank you very much.